Hi everyone, what's up? Welcome back to the channel. My name is Shahnawaz and आज के वीडियो का टॉपिक है लोन फॉर द कोर्स ऑफ द मर्चेंट नेवी. तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं यार मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में. अगर आपका एक ख्वाब है कि मेरा एक काफी सेटल लाइफस्टाइल हो जाएगा, बट एक ख्वाब को पाने में अभी बहुत सारे चीजें, आपको एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू देना है, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं. एंड उनमें से एक हर्डल आपका ये है कि आपके कोर्स का फी. अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने जाते हो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे स्पॉन्सरशिप के साथ, तो आज के टाइम पे उसका फी स्टार्ट हो रहा है 5.5 लाख से और इट कैन गो टिल 9 लाख. एंड अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करने जा रहे हो तो उसका स्टार्टिंग है आपका 7 लाख से, जो कि आईएमए कैंपस में. एंड इफ यू गो फॉर द बेस्ट कैंपस, दैट इज तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, तो 19 लाख. एंड सेम फॉर द बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम तुम्हारा समथिंग अराउंड 10-11 लाख से लेके आपका तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट 24 लाख के अराउंड चला जाएगा. एंड मर्चेंट नेवी कोई सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज ऐसा भी नहीं होता कि आप आईएमए सीईटी में एक अच्छा रैंक लाओगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा एंड वहाँ पे फी कुछ 5-6 हजार या 10-15 हजार लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपके आईएमए कैंपस का भी फी आपका 2,20,000 से ऊपर ही है. तो दिस इज द फी एंड यही आपका ऑलमोस्ट सारे कैंपसेस में है. कहीं पे भी आप मर्चेंट नेवी कोर्सेज करने जाओगे फी आपको इतनी के अराउंड पड़ेगा. यहाँ सबसे ज्यादा जो डाउट आता है बच्चों को वो मैं डीएनएस को कंसिडर करूंगा, क्योंकि बीएससी बीटेक और बाकी जो कोर्सेज होते हैं जीपी रेटिंग वगैरह उन सबके बारे में मैं वैसे बात नहीं करता. एंड लोनिंग की बात कर ले, जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे को डीएनएस करना है, क्या मुझे लोन मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं बोल दूंगा हाँ, तुम लोग को लोन मिलना काफी आसान होता है. अब मैं बताता हूँ कैसे. तो अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए जाते हो तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में आपको स्पॉन्सर से लेटर मिलता है कि आपका जॉब कंफर्म है, इवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर कोर्स। तो एजुकेशन लोन मिलना इंडिया में वैसे भी बहुत सुविधाजनक है, मिल जाता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट आपको मिल जाता है। बट व्हेन यू हैव अ जॉब लेटर, कि आपके पास एक जॉब लेटर है, कि आप एक साल बाद जब कोर्स के निकलोगे तो आपका जॉब फिक्स है, तो और आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना है. जो भी आप इंस्टीट्यूट में डीएनएस के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, तोलानी, आईएमआई, टीएस रहमान, जहां पे भी, उनको कांटेक्ट करो. आस्क देम इफ दे हैव लोन फैसिलिटी. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में, सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में, मर्चेंट नेवी में, आपको लोन फैसिलिटी मिल जाता है. उनका एक टाई अप होता है बैंक के साथ, वो लोन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं. एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे उनका टाई अप बैंक नहीं है, तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने कि आप मेरे को वो लेटर दो जिससे मैं लोन ले सकता हूँ, एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इट. आपको स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ साथ वो लेटर भी मिल जाएगा जिससे आपको लोन मिलने में काफी आसानी हो जाएगी. फिर उसके साथ आप अपना बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज करके, अपने पापा का जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगते हैं बैंक वाले, आप वो यूज करके यू कैन इजिली गेट लोन इन इंडिया फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस. डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए काफी इजी है. एंड इवन इफ यू आर गेटिंग बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए, आप स्पॉन्सरशिप मस्क में, एमएट यूनिवर्सिटी के थ्रू, वॉलेम्बीसिप, जो मतलब जहां पे भी स्पॉन्सरशिप है आपके पास, यू कैन शो कि हाँ मेरे पास जॉब है, मैं भाई 3 साल बाद मेरे को जब जॉब लगेगी तो आई विल पे योर जो भी ड्यू वगैरह रहेगा सब मैं पे कर दूंगा. तो वहां पे आपको लोन मिलना काफी आसान हो जाएगा. आसान नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान है कि आप ऐसे गए और तो मिल गया, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम थोड़ा उठाना ही पड़ेगा. आपको पैसे दे रही है बैंक तो उतना प्रॉब्लम उठाना तो बनता है. बिकॉज कुछ बच्चे थे जो इस बार अगस्त 2023 बैच में जो सेलेक्ट हुए थे बड़ी मरीनर से, दे वेंट फॉर द लोन, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. तो आई विल से कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली थोड़ा सा बैंक के चक्कर लगाना शुरू कर दो, बिकॉज ऐसे एट द एंड मोमेंट पे आके बोलोगे मुझे लोन चाहिए ना, तो नहीं मिलने वाला है. तो इसलिए बोलूंगा पहले से थोड़ा सा अपने बैंक की तरफ जाना शुरू कर दो एंड आस्क देम फॉर द लोन. जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस वगैरह रहेगा सब कुछ करवा के रेडी रहो एंड इतना जल्दी हो सके अपना लोन अमाउंट निकलवा लो सिलेक्शन होते ही. सो गाइस, इसके अलावा अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर में ही एक गूगल फॉर्म मिलेगा. गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म फिल करते ही मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स कॉन्टेक्ट करेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, एज वेल एज आपको बैचेस के बारे में बताए जाएंगे कि कैसे बैच हम लोग कंडक्ट कराते हैं. एंड दिस बैच इज गोइंग टू बी अ बिग बैच जहां पे आपको पूरा क्लास 11th and 12th का रिवीजन चलेगा, साथ साथ में ज्योग्राफी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको. इसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए अलग सेशन चलेंगे एंड रिटन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू सब कुछ होगा यहाँ पे. तो जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म. एंड उसके जस्ट नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो. कुछ नहीं जा रहा है आपको, कोई पैसे नहीं लग रहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के. वहां पे आपको डेमो क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे, डेमो क्लास ज्वाइन करो. डेमो क्लास ज्वाइन करके हम लोग से 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारा सिर्फ आपके फायदे के लिए. Just go and check all the links in the description. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो just give it a like. And कोई भी डाउट just put in the comment section. And please subscribe this channel and press the bell icon ताकि ऐसे informative वीडियो आपको मिलती रहे. And कोई suggestion हो तो उसको भी comment section में डाल दो. Thank you for watching this video.